अब सेकंड हम पहुंच गए हैं श्री राधे श्याम स्वीट हाउस। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। और क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया है। और बताइए सब बढ़िया। ये कैसे खिला रहे हैं आप रसमलाई? 20 रुपए पीस। और ये क्या किस चीज का हलवा है? काली गाजर का। काली गाजर का हलवा। और ये नॉर्मल लाल आ गया। और आपको केसर इस तरफ थोड़ा कर दो, इस तरफ ये आइटम दिखा। लो जी ये आइटम दिखाते हैं आपको, यहाँ की है खास आइटम ये। सबसे खास आइटम ये रखा हुआ मक्खन का अंडा। मक्खन का अंडा ये रखा हुआ ऊपर। ये रहा। वाह जी वेज अंडा और मक्खन का तरबूज। तो ये किस चीज़? ये खोए का बन रहा है। ये क्रीम की बर्फी है। क्रीम की बर्फी। अच्छा दूध से क्रीम निकलती है? हाँ जी वही उसकी है। तो क्या रेट बेच रहे हैं इसको? ये आपको इस समय तो 800 रुपये केजी है। 800 रुपये केजी। 25 रुपये पर पीस है। और ये आपको शाम के 7 बजे मिलेगा। शाम को 7 बजे से कब तक? अब 7 बजे आता रहेगा, जितना जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो आपके पास व्यूअर को पहुंचना हो तो इजीली कैसे पहुंच सकता है? लोकेशन समझा दो एक बार। ये आप लोकनाथ, इसका नाम है लोकनाथ चौराहा, लोकनाथ गेट है, किसी से राधे रसमल पता कर लीजिए। और ये भी ये किस चीज़ का बना पेड़ा है? गुलाब का पेड़ा। गुलाब का पेड़ा। हाँ जी। हाय हेलो वेलकम, मैं हूं आपका दोस्त निशांत, आपका स्वागत करता हूं लाइव इंडिया फूड में। और मैं पहुंच चुका हूं, आज का 35वां दिन है मेरा, और पहुंच चुका हूं प्रयागराज, भारत का ब्यूटीफुल खूबसूरत शहर, जहां पर्यावरण में खूबसूरती है, वहीं साथ साथ यहां के व्यंजन, यहां के मेवे और यहां के स्वीट का भी अलग टेस्ट है। तो अभी मेरे हाथ में है क्रीम की बर्फी, जो स्पेशल आपको प्रयागराज में ही मिलेगी। शाम को 7 बजे बिकनी शुरू होती है और 8 से 9 बजे तक हो जाती है ख़त्म। तो प्रयागराज आप जब भी आए तो शाम का समय ठंडे में मिलेगा, ठंडे में सिर्फ सर्दियों में ये बर्फी आपको मिलेगी। और कई तरीके के इनके पास पकवान हैं, आपको भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या पकवान हैं, कैसे आप इनके पास पहुंच सकते हैं। तो चलिए पहले टेस्ट करते हैं बर्फी का कि क्या टेस्ट है। वाह दूध का इसमें आई थिंक मीठा वगैरह बीच में नहीं डाला हुआ ज़रा, जो टेस्ट है वही है, एकदम वही टेस्ट है तो आपको पसंद आने वाली है। और इसकी भैया शेफ लाइफ कितनी है? इसका लाइफ आप फ्रिज में रख के आराम से 15 दिन खाइए, ख़राब नहीं होगा। तो कोई जैसे यहाँ से हरियाणा ले जाना चाहे, महाराष्ट्र ले जाना चाहे, ले जा सकते आसानी से? हाँ जी, आपको 12 घंटा 14 घंटा का सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको आप अगर साथ ले जाना चाहते हैं 12 से 14 घंटे का सफ़र, फिर भी मैं कहूँगा 8 घंटे का सफ़र है तो आप इसको ले जा सकते हैं, नहीं तो यहीं खा के इसका जायका अपने साथ तो हमेशा के लिए यादगारी के तौर पर लेके जा सकते हैं। तो जब भी आप प्रयागराज आएंगे श्री राधे इनके पास ज़रूर आइए, इनके मीठे पकवान, क्रीम की बर्फी, क्रीम और एक वेज अंडा क्रीम का जो है टेस्ट कीजिए, और मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपको टेस्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन लोकेशन, एक फूड डेस्टिनेशन पर। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। तो ये ऊपर ये क्या डाला है? ये चीनी के भूरा, चीनी का भूरा। ये अंडे में लगा, ये मक्खन के अंडे जो है ना, ये देखिए इसमें अच्छा लगता है। वाह जी, आप अंडा भी देखेंगे मक्खन का जो है, और देखने से कोई पहचान नहीं चाहेगा कि ये मक्खन का अंडा बनाया हुआ। और साथ में आप ये देखो तरबूज, इस तरीके की मावे की कई बर्फियाँ, कई तरीके के पकवान इनके पास हैं। ये देखो जी मावे की बर्फी, मावे के पकवान, और आपको हमेशा यहाँ पे फ्रेश सामान ही मिलेगा। तो जैसे ये देखो गाजर की बर्फी, अभी अभी तैयार गाजर का हलवा, काली गाजर का हलवा तैयार हो गया, और गर्मा गर्म गुलाब जामुन।